गुड मॉर्निंग क्लास क्लास मैंने आपको जो पढ़ाया है इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट चार संधि पढ़ा रही थी। मैंने आपको संधि के विषय में पढ़ाया था। संधि किसे कहते हैं? संधि वह होती है जो किसी में भी जब दो वर्णों को आपस में जोड़ दिया जाता है उससे जो परिवर्तन शब्द में आ जाता है उसे हम संधि कहते हैं, जो विकारोपण हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जब हम किसी भी शब्द को विभाजित कर देते हैं यानी अलग अलग करते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद बताए थे, संधि के तीन भेद थे, स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई थी, स्वर संधि के मैंने आपको पांच भेद बताए हैं। अब आपका हम पढ़ा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप हो जाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विकार कई प्रकार के होते हैं, ये पूरा पाठ बेटा आप पढ़ेंगे। इसके जो शब्द वर्ण हैंगे का गा जो भी हैंगे इनसे जो विकार उत्पन्न होता है बेटा सारा समझने के बाद ही आ पाएंगे। तो पहला इन्होंने क्या कहा है, का में देखिए वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। वर्ग क्या है? का खा गा घा जो है इसका जो पहला वर्ण है इसको तीसरा का खा गा गा में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो किसी वर्ग के पहले वर्ण वर्ग वर्ण का चा टा ता पा ये हमारे सीरीज से चलते हैं। आपको ने देखा हुआ है इस तरह से होते हैं ना। तो ये पहला वर्ण जो होता है का मेल किसी स्वर अथवा या रा ला वा में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के स्वयं के माने यानी अपनी ही लाइन के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी का क्या हो जाएगा? का गा हो जाएगा, चा का चे चम्मच छे चाता जय जहाज हो गया, टे का डे हो गया। इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है। अब का प्लस गा को इन्होंने काय में बदल दिया है, गा में बदल दिया है। वाग प्लस दान, वाग दान यानी जो देखिए इस तरह से है इसका ये लाइन चली हमारी बदलेंगे का को प्लस दा दा पूरा व्यंजन दिया हुआ है, का आधा दिया हुआ है, का और दा को हमने तीसरे व्यंजन में बदल दिया आधा का में। तो वे आर है मा ई फिर है वे आ ने गा ये इस तरह से इसको हम कैसे लिखेंगे? बाप का को आधे को हमने काय में बदल दिया गा में, बाप गा आया समझ में। जैसे अब का को देखे ई में परिवर्तित करना है क्योंकि उन्होंने ये कहा कोई भी व्यंजन हो सकता है और कोई भी स्वर हो सकता है। इन्होंने दूसरा उदाहरण देखे टा वाला सिपाही काम को टा आधा के बाद हमें आ ले क्योंकि हमने भी बताया व्यंजन या स्वर कोई भी यहाँ पर हो सकता है। अब इसके लिए तीसरे पद में जाना है टेट मार्डर टेट डेरा डे डब्लू। ठीक है, तो डे डब्लू हमने बनाया, हमने ऐसे करके लगा दिया। तीसरा वर्ण ये क्या है इसका? हमने इसको बनाना है शट प्लस आनंद, शट प्लस आनंद, षट प्लस आनंद यानी षडानंद क्या षडानंद आया बेटा समझ में? कुछ ना कुछ आपको आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर जो दिया है आप स्वर और व्यंजन नहीं देंगे।
क्या बनता है, उसका आधा अक्षर यूज करेंगे आप, इसका आप आधा ही शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है ख, वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवे वर्ण में परिवर्तित होना। पांचवा वर्ण कौन सा होता है, आड़ा खाली वाले होते हैं ना ज्यादातर, तो जैसे ना भी है और मा भी है। अब का देखो पांचवा वर्ण ये इसका कौन सा है, ये इसका पांचवा, ठीक है ना। इसका इसमें बदलना, पहले वर्ग का इसमें बदलना। फिर है तय के संबंध में विशेष नियम, जो तय है इसके में विशेष नियम देखिए, जब त तय या द का मेल च या छ से होता है तब च ज या झ से होने पर ज ट या ठ से होने पर ट ड या ढ से होने पर ण और ट से होने पर परल हो जाता है। जैसे ट का छ से किया, ठीक है, आगे ट का हमने ढाई से किया है, छ से किया है, ठीक, इसको हमने बना दिया आधा च। ये याद रखना, जिसपे भी विसर्ग आता है तो याद अक्षर होता है, तो इसको आधे हमने कायम परिवर्तित कर दिया, आधे च में परिवर्तित कर दिया है, तो इसका बनेगा उत प्लस चारण, ठीक है, उत प्लस चारण। जब हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, जब हम विच्छेद करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे उत प्लस चारण, लेकिन जब इसको हम संधि करेंगे तो हम लिखेंगे उच्चारण, क्या लिखेंगे हम उच्चारण, यानी कि जब संधि विच्छेद होती है तो जो च होता है आधा च को हम ता में परिवर्तित कर देते हैं, और जब संधि करते हैं तो आधे ता को हम च में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। अब आता है छ के संबंध में नियम, किसी हर्ष स्वर या आ का मेल, आप जानते हो ना आ का मेल हर्ष स्वर कौन से, जो जल्दी बोल रहे थे ए ई ऊ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, छ के संबंध में नियम था किसी का भी मेल, जैसे कि इसमें बेटा बहुत सारे मेल दिए हुए हैं, सारे के सारे मेल पढ़ेंगे आप जब ये इसको समझ पाएंगे, ठीक है। आ छ, उसमें आधा छ और छ जोड़ दिया गया है, आच्छादन। यदि ते या दे का मेल श से हो तो या ता या दा का छ और श का झ हो जाता है। चावला है, यदि ता या दा के बाद हा हो तो ता का द और हा का ध हो जाता है। यदि म के बाद काम से मा तक के वर्णों को जोड़कर कोई व्यंजन हो तो मा का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार सभी बच्चे जानते हैं, अनुस्वार इसको कहते हैं, इस तरह से बिंदी को कहते हैं। यदि आ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद स हो तो स का क्षय हो जाता है, कौन सा वाला, इस स का ये स हो जाएगा। यदि माँ के साथ क से माँ तक का कोई वर्ण हो तो माँ के बाद के वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। संकल्प, सम प्लस कल्प यानी संकल्प, ठीक है। ऋषि र और श के बाद ना हो, इसके बाद कोई स्वर हो या क वर्ग पा वर्ग का कोई वर्ण या अनुस्वार या वा हा में से कोई वर्ण हो तो का नाणा हो जाता है। यदि यौगिक शब्दों के पहले शब्द के अंत में न हो तो संधि में लुप्त हो जाता है। राजन प्लस आज्ञा, राजन
प्लस आज्ञा, इसको लिखेंगे ना, ये लुप्त हो गया यानी कि इसको हमने लुप्त कर दिया। लुप्त करके क्या बनाएंगे, राज्ञा। अब विषर्ग संधि आती है। विषर्ग संधि का, विषर्ग संधि सभी बच्चे जानते हैं, इसको हम विषर्ग कहते हैं ना। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विकार की भिन्नता की दृष्टि से विसर्ग संधि भी कई प्रकार की मानी जाती है। अभी आपने कौन सी पढ़ी, व्यंजन संधि। आपके बेटे मैंने इसके उदाहरण अभी आपको कम सिखाए, जो आपका अभ्यास कार्य है वह मैं सारा का सारा ब्लैक बोर्ड पे एक बार समझा दूंगी। यदि विसर्ग से पहले आ अथवा आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो विसर्गों के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा या वाला हा में से कोई हो तो विसर्गों का रे हो जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि नी प्लस नी प्लस जन, देखो इन्होंने इसको काई मिलाया है, इसको इसमें रावे मिलाने को कहा है निर, ठीक है, निर प्लस जन, निर जन, इसको हमने गाय में बदल दिया, रा में परिवर्तित कर दिया है। नी प्लस भात, नी प्लस भात बराबर निर्वात, ठीक। आपको कुछ समझ में आया ना भी है। यदि विसर्ग से पहले ए अथवा आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो विसर्गों के बाद वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण हो तो या वाला हम में से कोई हो तो विसर्गों का र हो जाता है। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण था। अब आता है यदि विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद र हो तो, ठीक, विसर्ग का लोप तथा ई छोटी ई का बड़ी ई यानी दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रव, नी प्लस रव क्या बनेगा, इसको छोटी ई है ना ये, और ये इसको बनाएंगे नी रव, क्या बना दो बेटा नी रव। अब आता है यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे हो जाएगा, अत है हमने लिखा अत प्लस ए अर्थात क्या बन गया, अत है क्या बन गया, अत है प्लस ए, अत ए, इसमें जो विसर्ग लगे हुए थे इसका हमने लोप कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। अब आता है यदि विसर्ग के बाद, अभी हमने घा पढ़ा था, घा पढ़ेंगे, यदि विसर्ग के बाद घा का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो तो या रा ला वा हा में से कोई हो तो विसर्ग हो जाता है। यगो यशोवान, यश प्लस गान, मनोरथ, मन प्लस
रथ यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का शा ता अथवा ठा हो तो विसर्ग का शा और ता अथवा ठा हो जाता है। ठीक निश्चय नी प्लस चे निश्चय यदि विसर्ग के बाद शा सा सा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता अथवा विसर्ग का वही वर्ण हो जाता है। नी संदेह संदेह है ना, नी है ना, उसका क्या हो जाएगा जो शाशा होता है उसके आदेशा बन जाते हैं। नी संदेह निशुल्क निशुल्क यदि विसर्ग के पहले ई अथवा उ है और बाद में का खा पा पा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। दुष्कर्म दुष्कर्म दुष्पाप दुष्पाप आपकी बेटा संधि पढ़ने से समझ में जाता है क्योंकि इसमें शब्दों का जो वर्ण है आपके उनका हेयर पेरेंट्स उन्हें अगर आपको समझ में आ गया आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी संधि का क्या नाम है। आपका जब भी प्रश्न आता है संधि विच्छेद करने के लिए या संधि करने के लिए तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए ये कौन सी है, स्वर संधि विसर्ग संधि और स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच भेद बताए थे ना मैंने आपको, वो याद होने चाहिए आपको। अब मैं आपकी किताब के करके दिखा रही हूँ एक बार बिना क्योंकि ये अभ्यास कार्य है तो आप एक बार करके देख लीजिए किताब में तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आपका पहला दिया है विद्या आलय विद्या प्लस आलय है ना, ये दिया ना आपको, इसका बनाओगे विद्यालय या मैं इसका विद्यालय विद्या प्लस आलय विद्यालय। आपने देखो अब ये आ आया ना तो कौन सी थी संधि, दीर्घ संधि, कौन सी संधि थी हमारी दीर्घ संधि। फिर है आपका दूसरा महा इंद्र, महा प्लस इंद्र, मैंने आपको बताया था जब आ और ई मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा महेंद्र, क्या बन गया ये भी महेंद्र। ये भी कौन सी संधि है, ये आपकी है गुण संधि। फिर आता है लघु तर, लघु प्लस उत्तर, इसमें परिवर्तन हो जाएगा जो बड़ा हो जो छोटा होगा वो बड़े रूप में परिवर्तन हो जाएगा। लघु प्लस उत्तर लघु उत्तर इसको दीर्घ संधि लिखेंगे, कौन सी संधि होगी ये दीर्घ संधि। टिप्पणा फिर आपकी प्रति ए प्रति प्लस ए प्रति ए आपकी ये यण संधि है, ये कौन सी संधि है आपकी यण संधि। आपको मैंने एक्सरसाइज दो कराई है इसकी, दूसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन है मैं कॉपी भेज रही हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर तीन जो है ये भी मैं बेटा अभ्यास कार्य में भेज रही हूँ, ये मैंने आपको समझा के कराया है काम, उसके बाद सारा का सारा काम आपका जो है कॉपी में आ रहा है अभ्यास कार्य है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में किताब में साफ साफ करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।